जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। जॉइंट इंक्वायरी वाली डिमांड पर भारत ने पाकिस्तान को कहा आगे बढ़ो। भारत विकसित कर रहा है ब्रह्मोस मिसाइल के एयर लॉन्च वर्जन का एक नया एडवांस वर्जन। सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट करी एनडीए में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन वाली दलील। इंडियन आर्मी को जल्दी मिलेगी उनकी डेडिकेटेड कम्युनिकेशन सैटेलाइट। और यूक्रेन की बिगड़ती हुई स्थिति को देखते हुए यूक्रेन में भारतीय दूतावास टेम्परेरी बेसिस पर पोलैंड में हुआ शिफ्ट। तो जैसे कि हमारे प्यारे निकम्मे पड़ोसी ने एक्सीडेंटल मिसाइल फायरिंग वाले मामले में जो भारत के सामने एक जॉइंट इंक्वायरी की डिमांड रखी थी, तो अब इस मामले पर न्यूज 18 की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें टॉप गवर्नमेंट सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि भारत ने पाकिस्तान की इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया है और पाकिस्तान से आग्रह किया है कि वे इस इंसिडेंट को एक मिस्टेक की तरह स्वीकार करें और एक अच्छे पड़ोसी की तरह आगे बढ़े। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट सोर्सेज का ये भी कहना है कि हम इस मामले की गंभीरता को समझते हैं और इस मामले पर पाकिस्तान का जो रिस्पांस रहा है तो उसकी भी हम सराहना करते हैं। और सोर्सेज की तरफ से ये भी बताया गया कि पाकिस्तान को इस दुर्घटना की परिस्थितियों के बारे में ठीक से जानकारी दी जा रही है और वाकई भारत का ये भी कहना है कि भविष्य में और भी अतिरिक्त सावधानी बरतेगा। और रही बात इस मामले की संयुक्त जाँच की, तो इसको लेकर भारत का कहना है कि पाकिस्तान के साथ पहले की कई सारी ज्वाइंट इंक्वायरी पहले से पेंडिंग पड़ी है और इसलिए पाकिस्तान को एक अच्छे पड़ोसी की तरह भारत की इस गलती को स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और ये सही भी है क्योंकि पाकिस्तान के साथ पहले की कई सारी ज्वाइंट इंक्वायरी पेंडिंग पड़ी है जिसमें पाकिस्तान का कोई भी सहयोग देखने को नहीं मिला है। तो वैसे में इस इंसिडेंट के लिए पाकिस्तान ज्वाइंट इंक्वायरी की डिमांड कैसे रख सकता है? और जैसे कि भारत ने कहा है कि एक अच्छे पड़ोसी की तरह आगे बढ़ो, तो पाकिस्तान को आगे बढ़ जाना चाहिए। और वैसे आपको बता दें कि इस इंसिडेंट ने पाकिस्तान की मिलिट्री और उनके पॉलिटिकल सर्कल में और भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं जो कि पाकिस्तान के लिए ही हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो यह है कि आखिर कैसे कोई मिसाइल पाकिस्तान के एयर स्पेस में करीब 3 मिनट 44 सेकंड तक रही थी और 124 किलोमीटर अंतर तक आई, लेकिन इस बीच पाकिस्तान के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से उसे इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया गया? और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है जो खुद पाकिस्तान मिलिट्री ने स्वीकार करी है कि उसने इस मिसाइल को पॉइंट ऑफ ओरिजिन से पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट तक आने तक लगातार मॉनिटर किया था, यानी कि उन्हें पता था कि मिसाइल निकल गई है और कहां जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ नहीं किया गया। और ये सवाल खास करके इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि जैसा कि पाकिस्तान ने पिछले साल चीन से HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था जिसे पाकिस्तान भारत के रफाल और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का काउंटर बता रहा था, तो फिर ये सिस्टम उस समय कहां था जब वो प्रोजेक्टाइल पाकिस्तान एयर स्पेस में एंटर हुआ? तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि जैसे कि पाकिस्तान का कहना था कि ये इंसिडेंट भारत की तकनीकी खामियों को दर्शाता है, बल्कि ये इसका उल्टा है। ये तकनीकी खामी भारत की नहीं बल्कि पाकिस्तान की है। और कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी सामने आई हैं कि पाकिस्तानी आर्मी को लोकल्स की तरफ से सूचित किया गया था कि किसी प्रोजेक्टाइल ने मियां चिनू एरिया में तबाही मचाई है। मतलब पाकिस्तानी आर्मी को खुद से भी नहीं मालूम पड़ पाया था कि ऐसा कुछ हुआ है, उन्हें भी वहां के स्थानीय लोगों ने बताया। मतलब यहाँ पे सवाल इतने सारे हैं कि पाकिस्तानी मिलिट्री अलग कुछ कह रही है, पाकिस्तान एयरफोर्स अलग कुछ कह रही है, और पाकिस्तान को एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि आखिर हुआ क्या है और उन्हें कहना क्या है। और हाँ, वैसे एक वीडियो काफी वायरल हो रही है जिसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अच्छी तरीके से बताया जा रहा है कि भारत की मिसाइल जब पाकिस्तान में लैंड हुई थी तो उसके बाद क्या हुआ था। वैसे तो हमें उम्मीद है कि आपने वीडियो देख ली होगी, लेकिन अगर कोई बचा है जिन्होंने नहीं देखी है तो वे हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस एक्सीडेंटल फायरिंग वाले मामले पर द प्रिंट की तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें डिफेंस एंड सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट सोर्सेज के हवाले से यह बताया गया है इंसिडेंट को लेकर पाकिस्तान की तरफ से जो दावे किए गए हैं तो उनमें से अधिकतर दावे तो गलत हैं। जैसे कि पाकिस्तान द्वारा इस अनआइडेंटिफाइड प्रोजेक्टाइल के ट्रेजेक्ट्री को शेयर करना, जिसमें पाकिस्तान ने यह दावा किया था कि ये जो मिसाइल थी ये हरियाणा के सिरसा से लॉन्च हुई थी जिसका फ्लाइट पाथ राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज की तरफ था, लेकिन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में जाने के बजाय वो अचानक से मुड़कर पाकिस्तान की टेरिटरी की तरफ चली गई। और इसी तरह का फ्लाइट पाथ पाकिस्तान ने शेयर भी किया था, लेकिन इस दावे के विपरीत सोर्सेज की तरफ से ये दावा किया गया है कि जो मिसाइल थी वो सिरसा से लॉन्च नहीं की गई थी, बल्कि असल में वो जो मिसाइल थे वो इंडियन एयरफोर्स के एक सीक्रेट सैटेलाइट बेस से एक इंस्पेक्शन और प्रोटोकॉल रिवीजन के दौरान एक्सीडेंटली फायर हुई थी। और ये तक दावा किया कि एक्सीडेंटली फायर होने के बाद उस मिसाइल ने अपनी ट्रेजेक्टरी को सही तरीके से फॉलो किया था। और साथ ही साथ सोर्सेज ने उन स्पेकुलेशंस को भी खारिज किया है जिसमें इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि ये जो मिसाइल थी ये एक एक्चुअल फायरिंग टेस्ट के दौरान लॉन्च हुई थी। इसके अलावा द प्रिंट की इस रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से ये भी दावा किया गया कि जो मिसाइल लॉन्च हुई थी उसे अनआर्म्ड ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एक प्रैक्टिस वर्जन कहा गया है। इसके अलावा जहां तक ये सवाल है कि कोई भी नोटम जारी क्यों नहीं किया गया, यानी कि नोटिस टू एयरमैन, तो उसका जवाब सीधा सा बस यही है कि जब मिसाइल सिरसा से फायर हुई नहीं और जहां से मिसाइल के लॉन्च होने की बात पाकिस्तान कर रहा है, तो वहां पे भारत इस तरह के मिसाइल के परीक्षण करता ही नहीं है क्योंकि इस तरह के सभी परीक्षण पूर्वी तट पर और अंडमान और निकोबार कमांड से ही होते हैं।
और एक अन्य सोर्सेस का ये भी कहना था कि जो नोटम यानी कि नोटिस टू एयरमैन होता है तो वो एक ऐसी चेतावनी होती है जो पायलटों को उनके उड़ान मार्ग या ऐसे स्थान पर संभावित खतरों के बारे में सचेत करने के लिए जारी किया जाता है जो उनकी उड़ान को प्रभावित कर सकती है। और इसलिए अगर यहाँ पर कोई नोटम जारी नहीं हुआ था तो इसका मतलब बस यही है कि यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी मिसाइल टेस्ट नहीं की गई थी। और इस मिसाइल की जिस ट्रेजेक्ट्री के साथ पाकिस्तान दावा कर रहा है तो वो ट्रेजेक्ट्री गलत है, और जबकि कुछ सोर्सेस तो इस एक्सीडेंटल लॉन्च को लेकर काफी सरप्राइज भी हैं, क्योंकि उनका कहना है कि मिसाइल सिस्टम ऐसे कई सारे मैकेनिज्म और सॉफ्टवेयर सेफ्टी मैकेनिज्म होते हैं जो कि किसी भी तरह की एक्सीडेंटल फायरिंग को प्रिवेंट करते हैं। इसके अलावा मिसाइल में टारगेट की मल्टीपल जियोलोकेशंस फीड की जाती हैं और किस टारगेट पर मिसाइल को भेजना है तो उसको पहले सेलेक्ट करना होता है। और रही बात इस मिसाइल में कोई वॉरहेड क्यों नहीं था, तो इसको लेकर सोर्सेज का यह कहना है कि वो एक प्रैक्टिस मिसाइल थी। और द प्रिंट की इस रिपोर्ट में यह तक दावा किया गया है कि भारत ने इस एक्सीडेंटल लॉन्च के बारे में रेलिवेंट पाकिस्तानी अथॉरिटीज को बहुत पहले ही सूचित कर दिया था, लेकिन ये नहीं बताया गया कि किस स्पेसिफिक टाइम पर सूचित किया गया और पाकिस्तानी अथॉरिटी में किस लेवल तक ये सूचना दी गई थी। और जैसे कि पाकिस्तान ने मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री को गलत दिखाया है तो इसको लेकर सोर्सेज का यह भी कहना है कि पाकिस्तान उस मिसाइल के लॉन्च को ट्रैक भी नहीं कर पाया था, जो कि ये साफ तौर पर दर्शाता है कि पाकिस्तान के पास ना तो फ्लाइट की और ना ही लॉन्च साइट, इनमें से किसी को भी ट्रैक करने की कैपेबिलिटी है ही नहीं। इन सब चीज़ों में हम ये तो खैर मानेंगे ही कि ये एक एक्सीडेंटल लॉन्च था, क्योंकि आखिरकार भारत सरकार ने खुद इसे ऑफिशियली स्वीकार किया है। हालांकि एक्सीडेंटल फायरिंग अभी भी अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी हम इसको स्वीकार करते हैं क्योंकि भारत सरकार ने इसे ऑफिशियली स्वीकार किया है। पर जैसे कि ये जो सब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान ने जो ट्रेजेक्ट्री बताई है वो गलत है और जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन बताया है वो भी गलत है, और जैसे कि हम सभी ने देखा भी है कि पाकिस्तान मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया जबकि वो कह रहा था कि वो कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा था, तो ये सारी चीज़ें यही इंडिकेट करती हैं कि पाकिस्तान इस मामले पर झूठ बोल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? क्या वो इसलिए है क्योंकि इस इंसिडेंट ने पाकिस्तान की रियल कैपेबिलिटी को सामने ला दिया है, या फिर वो इसलिए है कि किसी को कुछ खास संदेश देने की कोशिश की गई है, और क्या फिर ये इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान की जो शानदार इकोनॉमी है उसको थोड़ा सा सपोर्ट देने के लिए क्या पता एक मिसाइल यहाँ से लॉन्च कर दी हो, उसका थोड़ा कबाड़ बेच के कुछ ना कुछ पैसे तो आ ही जाएंगे। पर खैर ये मजाक की बात है, लेकिन पाकिस्तान इस इंसिडेंट में झूठ क्यों बोल रहा है ये मजाक नहीं है। लेकिन इसको लेकर आपका जो भी विचार है आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करना। और बाकी ब्रह्मोस का खौफ इतना हो ही रखा है तो चलिए आपको एक अपडेट और दे देते हैं। तो ANI ने अपनी एक रिपोर्ट में सोर्सेस के हवाले से बताया है कि ब्रह्मोस मिसाइल के एक नए एयर लॉन्च वर्जन को विकसित किया जा रहा है और जिसको लेकर कहा जा रहा है कि इसकी जो रेंज होगी वो 800 किलोमीटर से अधिक होगी। आसान शब्दों में आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर इस मिसाइल को न्यू दिल्ली से लॉन्च किया जाएगा तो वो इस्लामाबाद से भी आगे तक जाएगी। और बाकी तो खैर आप समझदार हैं, बात को समझ गए होंगे। IGP कश्मीर की तरफ से सूचित किया गया है कि CRPF के वीर जवान मुख्तार अहमद पर कायरतापूर्ण तरीके से हमला करने वाले आतंकी को आज गिरफ्तार कर लिया गया है, और पुलिस ऑफिसर्स की तरफ से बताया गया कि उसने ये सुवर्णों के संगठन लश्कर के कमांडर अबीब रमजान शेख के निर्देशों पर किया था, और जिसे एक ओवरग्राउंड वर्कर ने इस हमले को अंजाम देने में उसकी मदद करी थी तो उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा एक अपडेट यह है जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से बताया गया है कि पुलवामा से सुवर्णों के संगठन जैश के 4 एक्टिव एसोसिएट्स को गिरफ्तार किया गया है, और जो ये 4 एसोसिएट्स गिरफ्तार किए गए हैं तो ये लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन और ऐसी अदर फैसिलिटीज सुवर्णों के संगठन जैश के लिए प्रोवाइड कराने का काम कर रहे थे। टाइम्स नाउ की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी को बेहद ही जल्द एक इंडिपेंडेंट कम्युनिकेशन सैटेलाइट कैपेबिलिटी से इक्विप किया जा सकता है, और इसके लिए स्वदेशी तौर पर 2 सैटेलाइट्स को विकसित किया जा रहा है और जिसमें से 1 सैटेलाइट स्पेयर के तौर पर मौजूद रहेगी, और इस पूरी परियोजना की कीमत बताई गई है करीब 4,000 करोड़ रुपीज। और फिलहाल अभी वर्तमान समय में इंडियन आर्मी जो सैटेलाइट फैसिलिटीज हैं उसे नेवी और एयरफोर्स के साथ शेयर करती है, लेकिन अब इंडियन आर्मी को उनकी खुद की डेडिकेटेड कम्युनिकेशन सैटेलाइट से इक्विप करने की योजना बन रही है जिसके आर्मी को कई सारे मेजर बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके अलावा एक अपडेट ये सामने आया है कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज यानी कि CAPF में ऑफिसर्स के सिलेक्शन के लिए DRDO ने एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट को विकसित करने पर काम स्टार्ट किया है, और ये साइकोलॉजिकल टेस्ट इस बात को सुनिश्चित करेगा कि CAPF में जिन ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट हो रहा है तो उनकी मेंटल एबिलिटी और लीडरशिप क्वालिटीज CAPF के टफ और स्ट्रेसफुल कंडीशंस के अकॉर्डिंग हो, ताकि वे इन स्थितियों में भी काफी प्रभावी तरीके से काम कर सकें। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि सुप्रीम कोर्ट में भारत के प्रेस्टिजियस नेशनल डिफेंस एकेडमी में कास्ट के आधार पर रिजर्वेशन लाने के लिए एक दलील पेश की गई थी, तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को रिजेक्ट कर दिया है, और साथ में जस्टिस SK कॉल की तरफ से ये कहा गया है कि आप सिविल एम्प्लॉयमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि आर्म फोर्सेस एक होमोजेनस यूनिट है और इसलिए आप उन्हें जाति के आधार पर अलग नहीं कर सकते हैं। और वैसे जिन्होंने भी NDA में कास्ट के आधार पर रिजर्वेशन लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दलील पेश की थी तो उनको लेट CDS जनरल बिपिन रावत सर के उस स्टेटमेंट को जरूर सुनना चाहिए जिसमें उन्होंने बताया था कि अगर आप इंडियन आर्म फोर्सेस को एक नौकरी पाने का जरिया समझते हैं तो फिर इंडियन आर्म फोर्सेस आपके लिए नहीं है। यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट को 18वां दिन हो चुका है
और इससे जुड़े अभी तक के जो मेजर अपडेट सामने आए हैं वो कुछ इस प्रकार है। तो सबसे पहला अपडेट तो यह है कि यूक्रेन की बिगड़ती हुई सुरक्षा स्थितियों को ध्यान में रखते हुए यूक्रेन में भारतीय दूतावास की तरफ से फैसला लिया गया है कि वे अपने आप को टेम्पररी बेसिस पर पोलैंड में रिलोकेट कर रहे हैं। इसके अलावा इस यूक्रेन रशिया क्राइसिस को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग आज कंडक्ट की गई है, जिसमें भारत की सिक्योरिटी प्रिपेयरनेस की समीक्षा की जाने के साथ साथ हमारे बॉर्डर एरियाज, मैरिटाइम और एयर डोमेन में सिक्योरिटी प्रिपेयरनेस के लेटेस्ट डेवलपमेंट्स और अलग अलग पहलुओं के बारे में ब्रीफ किया गया है। इसके अलावा यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इस बात पर जोर दिया है कि यूएस और नेटो एलाइज यूक्रेन में रशिया के साथ नहीं लड़ेंगी, क्योंकि उनका कहना है कि नेटो और रशिया के बीच अगर कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उससे वर्ल्ड वॉर 3 की स्थिति बन जाएगी। हालांकि इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो नेटो की टेरिटरी है हम उसके हर एक इंच को डिफेंड हमेशा करते रहेंगे। इसके अलावा AFP न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में कीव के पास रशियन फोर्सेस के हमले में एक यूएस जर्नलिस्ट जिनका नाम था ब्रेट रेनॉल्ड, तो उनकी मृत्यु हो गई है। इसके अलावा यूक्रेन में लविव रीजन के गवर्नर की तरफ से कहा गया है कि रशिया की वेस्टर्न मिलिट्री बेस में रशिया की तरफ से की गई एयर स्ट्राइक में करीब 35 लोग मारे गए हैं और जबकि 130 से अधिक लोग घायल भी हुए हैं। इसी बीच टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया कि तमिलनाडु के 21 वर्षीय सैनिकेश रविचंद्रन, जिनको लेकर कुछ समय पहले रिपोर्ट सामने आई थी कि वे यूक्रेन की पैरामिलिट्री फोर्सेस को ज्वाइन कर चुके हैं, तो अब टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में सैनिकेश के फादर के हवाले से बताया गया है कि जो सैनिकेश है अब वो वापस से अपने होम टाउन कोयम्बटूर आना चाहता है। इसके अलावा पाकिस्तान के विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान बेहद ही जल्द यूक्रेन के लिए मानवीय सहायता भेजने वाला है। वैसे इस अपडेट पर तो हम यही कहेंगे कि कॉन्फिडेंस तो हमको यही वाला चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया की गलतफहमी भी दूर कर दी है। अभी तक सभी लोग ये मान के बैठे हुए थे कि जो काठमांडू है वो नेपाल में है, लेकिन पाकिस्तान के वजीर आजम ने क्लियर कर दिया है कि काठमांडू नेपाल में नहीं है बल्कि नेपाल काठमांडू में है। जिसने काठमांडू के नेपाल में नरेंद्र मोदी से छुप के मिल रहा था अपनी फौज के खिलाफ। और इस बेहद ही महत्वपूर्ण तथ्य से पूरी दुनिया को रूबरू कराने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का तहे दिल से धन्यवाद। बाकी इसके अलावा यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस कॉन्फ्लिक्ट में रशिया अभी तक अपने करीब 13,000 से अधिक ट्रूप्स को खो चुका है। और वहीं आपको ध्यान होगा कि कल हमने आपको बताया था जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति की तरफ से जानकारी दी गई थी कि इस कॉन्फ्लिक्ट में उन्हें अपने अभी तक करीब 1300 ट्रूप्स का नुकसान हुआ है। वैसे आपको नहीं लगता कि 1300 यूक्रेनियन ट्रूप्स और 13,000 रशियन ट्रूप्स, ये जो रेशियो है ये कुछ अलग सा नहीं है? यानी कि हमारे कहने का मतलब ये है कि इस पर आपके जो विचार हैं आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करना। और बाकी अब समय है आज के इतिहास का, तो आपको बता दें कि आज के दिन 1986 में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान नायब सूबेदार नफे सिंह ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था और उनकी वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से भी सम्मानित किया गया। आज के दिन 1966 में 1SM राइफल्स के लास्ट नायक पदम बहादुर सुनवार, 1981 में 7SM राइफल्स के राइफलमैन दरवान सिंह, 2001 में 12SM राइफल्स के राइफलमैन बच्चू सिंह और 1961 में राइफलमैन नंदन सिंह ने भी आज के दिन अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस वीडियो को लेकर कोई भी सुझाव हो, सवाल हो, उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।